हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार त्यागी स्टडी हब में। हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं 2023 में मिले हुए जो इम्पोर्टेंट पुरस्कार या सम्मान हैं उनके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो भारत के अंदर होने वाले प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हर एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन आना जरूरी है, खासकर कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड बी के लिए जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए ये रामबाण साबित होगी। उनके सिलेबस में ये टॉपिक दिया हुआ है, तो इससे तो क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो यहाँ पे लिखे हुए इस साइड हैं पुरस्कार और इस साइड हैं इनसे सम्मानित व्यक्ति, यानी कि किसको दिया गया है। ये कुछ इम्पोर्टेंट पुरस्कार मैं आपको वीडियो में कराऊंगा, बाकी इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप वहां से पढ़ सकते हैं या फिर इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। तो करते हैं वीडियो को शुरू। राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वनस्थली विद्यापीठ को। संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 84 कलाकारों को। किसने रतन टाटा को सरकार का पहला उद्योग रत्न पुरस्कार प्रदान किया है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने ये पुरस्कार प्रदान किया है रतन टाटा को। भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किसे मिला है, ये मिला है पश्चिम बंगाल का गांव है क्रीटेश्वर गांव को। लक्ष्मी कुमारी चोड़ावत बल साहित्य पुरस्कार दिया गया है अद्वैत जिंद को। एकलव्य पुरस्कार 2023 दिया गया है पलक शर्मा को। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 दिया गया है कैंसर विशेषज्ञ डॉक्टर रवि कन्नन को। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2023 मिला है इंदौर मध्य प्रदेश को। राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है अमिय कुमार सामल को। कहाँ के बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की संस्कृति विरासत में जगह मिली है, ये मिली है मुंबई का रेलवे स्टेशन है ये। इस भारतीय मूल के नागरिक ने संयुक्त अरब अमीरात में नया मेगा पुरस्कार जीता है, ये है भारतीय मूल के वास्तुकार मोहम्मद आदिल खान ने। किस राज्य सरकार ने पद्म पुरस्कार विजेताओं को आजीवन 10,000 रुपये हर महीने देने की घोषणा की है, हरियाणा सरकार ने। किस सरकार ने महिलाओं को राज्य स्तरीय तिलू रोहतेली पुरस्कार देने की घोषणा की है, ये की है उत्तराखंड राज्य सरकार ने। किसको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार मिला है, ये मिला है प्रेम प्रकाश को। सर्वश्रेष्ठ मूल कहानी का पुरस्कार जीता है सियान सोकत ने। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है नरेंद्र मोदी को। हार्वर्ड विश्वविद्यालय का जॉर्ज लेडी पुरस्कार जीता है राज चिट्टी ने। भारतीय सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपर स्टार पुरस्कार किसे मिलेगा, कार्तिक आर्यन को। महाराष्ट्र सरकार ने पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने का फैसला किया है रतन टाटा को। राष्ट्रपति मुर्मू ने कितने वीरता पुरस्कारों की मंजूरी दी है, 76 वीरता पुरस्कारों की। गोरखपुर गीता प्रेस को 100 साल पूरे होने पर किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, गांधी शांति पुरस्कार से। भारतीय कंपनी ने गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार जीता है अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड ने। फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण की मेजबानी करेगा गुजरात। जून माह का ICC प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है मानिदु हसरंगा, और महिला में एसले गार्डनर को।
फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है पीएम मोदी को। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया है प्रिया ए एस को। गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है गीता प्रेस को। एलिजाबेथ लॉन्ग फोर्ड पुरस्कार जीता है रामचंद्र गुहा की पुस्तक ने। इकबाल मसीहा पुरस्कार 2023 जीता है ललिता नटराजन ने। जर्मन शांति पुरस्कार जीता है सलमान रसूदी ने। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है मध्य प्रदेश ने। वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड की लिस्ट में भारत के इतने स्कूल शामिल किए गए हैं 5। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है दामोदर मौजा ने। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। उडोगो पुरस्कार जीता है उत्तर प्रदेश ने। फिल्म फेयर ऑफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रेम चोपड़ा को मिला है। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जीता है आशा भोसले ने। 1959 का रेमन मैक्सेसे पुरस्कार दिया गया है दलाई लामा को। विश्व वैक्सीन कांग्रेस पुरस्कार जीता है भारत बायोटेक ने। पद्म विभूषण पुरस्कार में नाम शामिल है मुलायम सिंह यादव जी का। वीरता पुरस्कार पाने वाली पहली महिला एयरफोर्स अधिकारी है दीपिका मिश्रा। गवर्नर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है शक्तिकांत दास ने। प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है डी उगेश ने। वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार दिया गया है आलिया मीर को। राष्ट्र फोटोग्राफी पुरस्कार दिया गया है एस मगुरुन को। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार अप्पा साहब धर्माधिकारी को। यूनेस्को ने शांति पुरस्कार दिया है एंजेला मर्केल को। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार दिया गया है महेंद्र मिश्रा को। स्वस्थ शहरों के लिए साझेदारी पुरस्कार दिया गया है धूम्रपान कानून के लिए बेंगलोर को। सितारा ए इम्तियाज पुरस्कार दिया गया है बाबर आजम को। 2022 के पुलित्जर पुरस्कार के लिए चुना गया है फहमीदा अजीम को बांग्लादेश के। लाइफ टाइम अचीवमेंट ऑनर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। गोल्डन कैलाश पुरस्कार नाने रखो। एकलव्य पुरस्कार पंकज अडवाणी को। प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार दिया गया है द्रौपदी मुर्मू को। राष्ट्र बाल पुरस्कार 2023 प्रदान किए गए द्रौपदी मुर्मू द्वारा 11 बच्चों को। तो आज की वीडियो को रखेंगे इतना ही। इसकी पूरी पीडीएफ जितने भी अवार्ड मिले हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल त्यागी स्टडी हब पर मिल जाएंगे। अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे जहाँ से आप वीडियो को डाउनलोड कर सकते हैं और इसका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी प्रकार हमसे आगे भी जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।